सो फाइनली एक बंगाली फिल्म जो कि पैन इंडिया में आ रही है जिसका नाम है चेंगेज स्टारिंग जीत, उसका आज ट्रेलर आया एंड मैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी देख रहा था जहां पर इसके एक्टर जो है जीत वो कहते हैं कि चेंगेज एक फिल्म नहीं है, एक सपना है जो कि इसके थ्रू हम अपने बंगाली इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे बंगाल के बाहर भी। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली टू द मेकर्स बट टू द होल बंगाली इंडस्ट्री। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार जीत तो आपके तभी हो गए जब आपके अपने लोग आपके इस काम को सीरियसली ले रहे। आई मीन जब मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे कि चेंगेज का ट्रेलर रिव्यू करो, चेंगेज का ट्रेलर रिव्यू करो, प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज सपोर्ट करो, भाई साहब इस फिल्म का असली सक्सेस यही है। क्योंकि मैं खुद एक मोमेंट पे इमोशनल हो गया इतने सारे मैसेजेस पढ़ के, एंड कोई भी पढ़ेगा वो हो ही जाएगा। एंड एक चीज़ ऐसा पर्सनली फील हो जाता है कि भाई साहब ये कोई हमारे घर की फिल्म है, ऐसा लिटरली फील हो जाता है। आज जब मैं चेंगेज का ट्रेलर देखा तो मैं एक चीज़ आपसे पहले बता दूं कि थैंक गॉड ये लोगों ने पैन इंडिया के नाम पे कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि आज हर कोई पैन इंडिया में फिल्म ला रहा है। लेकिन जब ये पहली बंगाली फिल्म जो पैन इंडिया में आ रही है तो उसको इतना मद्देनजर रखा ये लोगों ने, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड आज जब ट्रेलर मैं देखा तो इस ट्रेलर को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ, इट्स अ स्टाइलिश तोड़फोड़ ट्रेलर। आई मीन नथिंग डिसअपॉइंट्स, मज़ा आ गया। सोचने वाली बात है कि एक्शन बेस्ड फिल्म है लेकिन फिर भी हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि यार ये एक फिल्म नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो रही है। हाँ थोड़े VFX इसमें कमज़ोर नज़र आते हैं लेकिन यार जितना बजट है उसके हिसाब से तो काफ़ी हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी तो एकदम बढ़िया नज़र आ ही जाते, तो उसको इजीली इग्नोर भी कर सकते। लेकिन दाद देनी होगी एक्टर जीत की जो इस कैरेक्टर में अपना खुद का स्टाइल रखते हुए नज़र आते हैं, तो वो एकदम दमदार है। प्लस भाई ने हिंदी डबिंग भी खुद की है। अब देखो स्टोरी जब नीरज पांडे की है तो निराशपना का सवाल तो उठता नहीं है, एंड ट्रेलर में भी वो छलक जाता है। हालांकि ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही स्टोरी छलका दी है लोग ने, बट ठीक है, वो जो जोर पकड़ना चाहिए वो एंड तक पकड़े ही रहता है। अब देखो जैसे दमन मूवी ओडिया इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर थी, वैसे ही चेंगेज बंगाली इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर कंप्लीटली होने वाली, ये तो मैं लिख के देता हूं। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये फिल्म ईद में आ रही सलमान भाई के फिल्म के साथ, यार इसको तमाशा मत बनाओ यार, ये कोई सेंस नहीं है इस पर कोई बात करे या कुछ भी बोले। यार सलमान भाई की फिल्म अपने जगह कचरा करेगी, मतलब अपने जगह कमाएगी, एंड चेंगेज अपने जगह अपना ऑडियंस ढूंढेगी और कमाएगी। हालांकि चेंगेज को बहुत प्रमोशन की ज़रूरत है, सब चीज़ की ज़रूरत है, एंड सपोर्ट तो भाई भर भर के चाहिए। हालांकि मिल भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वही सपोर्ट थिएटर तक आए तो ये फिल्म चल सकती, वरना काफ़ी मुश्किल है इसका हिंदी में सर्वाइव करना। सो ओवरऑल चेंगेज के ट्रेलर को लेकर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, जितना बजट है वो अपने बजट में मजबूत खेलते हुए नजर आ रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि यार ये हमारी इंडस्ट्री की है तो हमारे ही लोगों में और शेयर भी हो और ज्यादा से ज्यादा तक लोग देखें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप शेयर करो और ये ट्रेलर को हर किसी को दिखाओ ताकि ये फिल्म की रीच और बढ़े। एंड सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, ये तो मेरा दिल खोल सपोर्ट है इस फिल्म के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस ऑल, बाय।